बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करेंगे ईद उल फितर के हवाले से। नाज़रीन, सऊदी अरब में चांद की शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों अल जद्दार, रियाज और अल दमाम वगैरह में चांद की शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। इसके अलावा मदीना मनवरा और अल मक्का से भी ऐसी शहादतें मौसूल हुई हैं कि 24 मई को ईद का ऐलान कर दिया गया है। नाजरीन, सुबह इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया में ईद उल फितर मनाई जाएगी। इसके बरक्स पाकिस्तान में अभी तक चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज्यादातर चांसेस हैं कि ईद 25 मई को ही मनाई जाएगी। सऊदी अरेबिया में चांद की शहादतें मौसूल होने के बाद ये बात कंफर्म हो गई है कि सऊदी अरेबिया में सुबह इंशाल्लाह ईद उल फितर मनाई जाएगी और पाकिस्तान में ईद उल फितर परसों 25 मई को मनाई जाएगी। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में 24 अप्रैल को पहला रोज़ा रखा गया था। इसके साथ साथ 24 मई को ईद का ऐलान कर दिया गया है और सुबह इंशाल्लाह ईद उल फितर होगी और 30 रोज़े इस लिहाज से होंगे। इसके बरक्स पाकिस्तान में 25 अप्रैल को पहला रोज़ा रखा गया था। इस तरह से 25 मई को पाकिस्तान में ईद उल फितर होगी। नाज़रीन, इस बार वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रवैयत हलाल कमेटी के साथ शामिल किया गया है चांद देखने के हवाले से। नाज़रीन, रवैयत हलाल कमेटी और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मशावरत से ये फैसला सामने आया है कि अभी तक चांद की कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई। किसी भी शहादत के मौसूल ना होने की वजह से सुबह यानी कि 24 मई को ईद उल फितर पाकिस्तान में नहीं होगी, जबकि 25 मई को होगी। नाजरीन, इसके साथ ही आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि 24 मई बरोज इतवार सुबह को इंशाल्लाह ईद उल फितर सऊदी अरेबिया में मनाई जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में ईद उल फितर 25 मई बरोज पीर को होगी। इस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह।